आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में घर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में 3 जनसभाओं को करेंगे पीएम मोदी संबोधित। दुर्गापुर, कृष्णापुर और बोलपुर में जनता के बीच जाएंगे पीएम, तो वहीं झारखंड में भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मूड में गृहमंत्री अमित शाह। आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तीनों राज्यों में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 2, तो वहीं गोवा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव मोड में आए नजर। आज जेपी नड्डा गुजरात में कई जनसभा को करेंगे संबोधित। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में करेंगे रैली को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज संभल, आंवला और बदायूं दौरे पर रहेंगे। तीनों जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे संभल से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मी। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव, तो अमेठी से केएल शर्मा के नाम पर लग सकती है मोहर। सूत्रों से मिली जानकारी। अमेठी में लगाए गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर, गौरीगंज और अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में लगाए गए दोनों नेताओं के तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी की बड़ी 2 हॉट सीटों पर भाजपा ने खोले पत्ते। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण का टिकट कटा। पार्टी ने ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया, तो रायबरेली से दिनेश प्रताप को दिया गया टिकट। कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान होते ही अयोध्या पहुंचे करण भूषण। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। करण सिंह ने पूजा पाठ कर संतों से आशीर्वाद लिया। आज नामांकन दाखिल करेंगे करण। यूपी के बदायूं से गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेकर बोला हमला। कहा कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी बड़ी धूमधाम से निकलता है और लाल चौक पर हर समय तिरंगा फहरा रहता है। चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। पाकिस्तान से कांग्रेस को समर्थन पर स्मृति का हमला। कहा सत्ता का इतना लालच क्यों, जो सरहद पर हमारे सैनिकों की जान ले रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाह रही है। चुनाव से पहले शिंदे की शिवसेना को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके संजय निरुपम आज शिंदे शिवसेना में होंगे शामिल। 2 दशक बाद संजय निरुपम की शिवसेना में घर वापसी होगी। आज शाम 3 बजे होंगे शामिल। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। आज कार्यालय से रोड शो निकालेंगे दिनेश प्रताप। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। कई बड़े नेता भी रोड शो में होंगे शामिल। सबसे हिट, सबसे फिट चर्चित अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भारतीय सार्थक पार्टी के नाम पर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। गले में सब्जियों की माला लटकाते हुए आए नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के समय किए गए सवालों का आज जवाब देगी ईडी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। दिल्ली में एक और हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। एक वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही महिला से मारपीट और बदतमीजी करता हुआ नजर आया। महिला ने पुलिसकर्मियों पर लगाया जबरन घर घुसने का आरोप। यूपी के बहराइच में नहर के किनारे एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक के परिजनों ने युवक के अवैध संबंधों को लेकर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बच्चों को घर छोड़कर जा रही थी बस। NH 28 पर फाजिलपुर पे घटना हुई। यूपी के शामली में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर दिया धरना। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग रखी। यूपी के बुलंदशहर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। तेंदुए के पीछे डंडा लेकर भागे किसान का वीडियो हुआ वायरल।
घायल किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी दो बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश हुए घायल। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दो महिला और दो बच्चों समेत 4 की मौत। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के शामली में महिला ने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। केरोसिन का तेल डालकर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की। ससुर पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी के ससुराल से दहेज की मांग को लेकर था परेशान। मशहूर ब्रांड ओकाया ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक डिसर्टर। फेराटो के साथ मिलकर डेवलप की है बाइक। कंपनी का दावा फुल चार्ज पर 129 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी ये बाइक।